ओके हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये बात किए थे कि जॉन पोटेंशियल के ऊपर ईएफएम कैसे काम करता है, तो जस्ट एक ओवरव्यू है ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसके ऊपर बात करें और हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। लास्ट वीडियो में जो हम लोग बात किए थे कि डिस्टेंस और फोर्स के बिटवीन में जो कर्व था उसके ऊपर बात किए थे, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये बोले थे कि जब हमारा डिस्टेंस जब दो एटम के बीच में, एटम ए और एटम बी के बीच में जब वो डिस्टेंस कम होना स्टार्ट होगा तो एक ऐसा समय आएगा जब इसका डिस्टेंस आपके एंगस्ट्रम लेवल में चला जाए। एंगस्ट्रम लेवल कहने का क्या मतलब है कि जब वो 10^-10 के रेंज में चला जाए तो जो एक्चुअल रियल लाइफ में जो आपका रेंज होता है वो होता है आपका 10^-100 के बीच में, और नॉन कॉन्टेक्ट मोड में जो फोर्स का रेंज होता है वो फोर्स का रेंज होता है आपका 10^-12 नैनो न्यूटन। और जब कॉन्टेक्ट मोड की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें कॉन्टेक्ट मोड में वो फोर्स का रेंज वेरी करता है आपका 20 μN टू जाता है आपका लेस देन इक्वल टू आपका ऑलमोस्ट 10^-12 नैनो न्यूटन। तो हम लोग इसके ऊपर बात किए थे और ये बोले थे कि जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए नॉन कॉन्टेक्ट मोड बोला गया, और जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ उसको हम लोग कॉन्टेक्ट मोड बोले, और दूसरा जब इन दोनों के बीच का जो मोड था उसको हम लोग टैपिंग मोड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनी उसको इंटरमीडिएट मोड बोलती है, इंटरमीडिएट मोड। और जो रियल लाइफ में जो मैन्युफैक्चरर हैं जो एफएम को बनाते हैं, इस ग्राफ को देखने के लिए आपको, अगर ये आप ग्राफ देखना चाहते हैं रियल लाइफ में, इसके लिए बहुत सिंपल सा आपका एक एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए हमें क्या होता है कि एक सिलिकन का नॉन कॉन्टेक्ट मोड कैंटिलीवर लेते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड आप कोई भी सिलिकन सैंपल ले सकते हैं, सिंपल ग्रेटिंग ले सकते हैं, और आप उसको स्कैन करेंगे एक कंडीशन डाल के, तब आप ऐसा एक कर्व देख सकते हैं। उसके अंदर आप फोर्स कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये कर्व हम लोग उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं। उसको करने के बाद से हम लोग इसको देख सकते हैं, और लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किए थे जैसे ऑक्सफोर्ड हो गए, NTMDT हो गई, पार्क सिस्टम हो गए, उसके से ब्रूकर हो गया, नैनो सर्फ हो गया, नैनो मैग्नेटिक्स हो गया, जो FM को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये ओवरव्यू है जो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे। और आज अभी क्या बात करने वाले हैं कि ये तो आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब मैं बात करूं कि आपका 20 μN या 10 आपका पिको न्यूटन तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे ये काम करेगा, तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले एफएम का एक जो कंस्ट्रक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द जितने भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं ऑलमोस्ट सारा कंपनीज पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलता, बदलता क्या है फिर उसका सॉफ्टवेयर ऑपरेशन बदल जाता है और जो काम करने का जो ऑपरेशन का तरीका है वो बदल जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द EFM, तो उसके लिए क्या बात होता है यहाँ पे कि इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या हार्डवेयर चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर, और एक हमें चाहिए लेजर लाइट, इसको बोलते हैं लेजर। इसमें भी बात करेंगे लेजर का जो स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लेकिन ये हुआ आपका कैंटिलीवर। और दूसरा में क्या होता है कि इसको बोलते हैं सैंपल, और सैंपल के नीचे में रहता है आपका, इसको बोलते हैं XY स्कैनर बोलते हैं। और यहां से क्या होता है कि जब डायरेक्टली लेजर यहां से निकलता है तो हम लोग डायरेक्टली कैंटिलीवर के ऊपर हिट नहीं करता। अगर डायरेक्टली आप कैंटिलीवर के ऊपर हिट करा देंगे तो हमारे पास ये ट्यूनिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब कभी भी आपका कैंटिलीवर या लेजर मिसमैच हुआ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कि दोनों को हम लोग अलाइन कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक आपका मिरर यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन मिरर बोलते हैं इसको। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन हुआ यहाँ से ऐसे, और फिर उसके बाद से रिफ्लेक्शन यहाँ पे हिट होता है, ये सेकंड डायरेक्शन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, जब यहाँ पे जब हिट करेगा 90 के एंगल से, ये ऑलमोस्ट 90 नहीं रहता है, एक एंगल से जब ये हिट करेगा यहाँ पे तो ये क्या होता है कि बैक साइड में ये आपका रिफ्लेक्ट होता है,
ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, मैं इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा देता हूँ, ये लेजर को क्रॉस नहीं करता है, ये यहाँ पे ना मैं थोड़ा इसको और एंगल बनाता हूँ, ये रिफ्लेक्ट होके आया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक दूसरा मिरर लगा रहा था, ये मिरर टू है, इसको बोलते हैं मिरर टू। ये मिरर टू पे जब हिट होगा तो ऐसा आपका आया, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा यहाँ से जब ये हिट करेगा तो यहाँ से क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट होके आपका जाता है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगता है। इस डिटेक्टर को हम लोग बहुत सारी कंपनी इसको पीएसपीडी डिटेक्टर बोलती है, पीएसपीडी डिटेक्टर, और इसको बहुत लोग आपका फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट डिटेक्टर बोलते हैं, डिटेक्टर। अभी पीएसपीडी डिटेक्टर कहने का क्या मतलब, इसका मतलब होता है पोजिशनिंग सेंसर फोटोडायोड, इसको बोलते हैं पोजिशनिंग सेंसर पोजिशनिंग फोटोडायोड फोटोडायोड। इसे नाम से ही क्लियर है कि जब हम फोटो की बात कर रहे हैं, मतलब हुआ कि मैं ऑप्टिक्स का बात कर रहा हूं, और पोजीशनिंग सेंसर कहने का क्या मतलब है, इसमें फोर वर्ड आया, एक हुआ पोजीशनिंग, दूसरा हुआ सेंसर, और तीसरा वर्ड जो है फोटोडायोड। तो इसको मैं क्लासिफाइड करूं, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो बहुत आसान है समझने के लिए। इसका मतलब होता है, एक मतलब होता है पोजीशनिंग, दूसरा मतलब होता है आपका सेंसर, और तीसरा मतलब होता है फोटो, और चौथा मतलब होता है आपका डायोड डायोड। तो बाय नेम से ये क्लियर है कि जब हम लोग पोजीशनिंग सेंसर, जब भी कोई पोजीशन डिपेंडेंट फोटो डायोड हो, मतलब जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर थिंग आ जाए, मतलब जिसके पास जो ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल हो, सेंसेटिव मटेरियल हो, या ऑप्टिकल सेंसिटिव डिवाइस हो। ऑप्टिकल कहने का क्या मतलब है, बात लाइट से है, जहां कहीं भी हम लोग ऑप्टिक्स की बात करते हैं, फोटो की बात करते हैं, वहां पे हम लोग बात लाइट की कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो कि लाइट डिपेंडेंट कोई डायोड है, डायोड का हम लोग नेचर समझ रहे हैं, जो आपका वन वे में काम करता है, जिसके ऊपर आप लाइट डालेंगे तो ये आउटपुट जो है आपका वो करंट के फॉर्म में देता है। तो डिपेंडिंग मटेरियल टू मटेरियल की कितना आउटपुट दे रहा है, अगेन वो डिपेंड करेगा आपके लाइट इंटेंसिटी के ऊपर, कि कितना अच्छा लाइट इंटेंसिटी पड़ रहा है। और सेंसर कहने का क्या मतलब है, रियल लाइफ में सेंसर कहाँ पे यूज हो रहा है, एक बेस्ट एग्जांपल है आपका सेंसर के लिए, हम लोग इलेवेटर में यूज कर रहे हैं, इलेवेटर हो गया, वहां पे हम लोग प्रेस करते हैं तो इलेवेटर आ जाता है रियल लाइफ में। तो सेंसर का मतलब हो गया कि जो नॉन मैकेनिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे, सेंसर का मतलब हुआ आपका, जैसे आपका नॉन इलेक्ट्रिकल, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर ये नॉन इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, नॉन इलेक्ट्रिकल, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसर। ओके, एक और बहुत ज्यादा आपका मिस एजम्पशन है कि सेंसर और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है, कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर, तो बहुत अच्छा से डिटेल में बात करेंगे कि सेंसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, तो उसमें बात करेंगे। सेंसर कहने का मतलब ये होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आउटपुट को लेते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका ऑप्टिकल सिग्नल हो गया, और पोजीशनिंग का कहने का क्या मतलब है कि पोजीशन डिपेंडेंट रहता है, तो इसीलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मैं इसको एक्स एक्सिस कहूँ यहाँ पे, इसको मैं वाई एक्सिस कहूँ, तो अगर मान लीजिए हमारा लेजर यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है, उसको बोलते हैं आपका जो पहला सिग्नल जनरेट किया उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सिग्नल, दूसरा आपको होता है उसको बोलते हैं आपको लेटरल सिग्नल, और तीसरा जो होता है वो होता है इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होगा कि जब ये सिग्नल जनरेट करेगा तो ये सिग्नल का कौन सा यूनिट होगा, बहुत तरह के सिग्नल होता है, जैसे हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में जनरेट कर रहे हो, करंट के फॉर्म में जनरेट कर रहे हो, किसके फॉर्म में, तो जो सिग्नल जनरेट होता है यहाँ पे सब वोल्टेज के फॉर्म में रहता है, वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, और ये जो वोल्टेज रहता है डिपेंड करता है आपका कि कौन से मैन्युफैक्चरर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो हर कंपनी का एक अलग रूल रहता है, लेकिन हम लोग मोस्टली जो इंटेंसिटी है इसको थोड़ा इसकी अगर बात करें, इंटेंसिटी का जो वैल्यू यहाँ पे जो चेंज होता है वो वैल्यू आपका जाता है कम से कम
जो वैल्यू इंटेंसिटी होता है हर कंपनी के लिए वो जाता है आपका 2 वोल्ट टू आपका 3.2 वोल्ट। तो मोस्टली जब हम लोग फर्स्ट टाइम जो अलाइनमेंट करेंगे उसमें ही बात करेंगे अलाइनमेंट कहने का क्या मतलब है। जब हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इंटेंसिटी की वोल्टेज कितना मिल रहा है। अभी बात यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग लेजर यूज किए और लेजर क्या होता है कि लेजर ये जाता है कि मिरर वन पे हिट होता है और जब मिरर वन पे हिट किया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके कैंटिलीवर पे गया और कैंटिलीवर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे जाता है और दूसरे मिरर से हिट करने के बाद पीएसपीडी के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा केस राइज हो रहा है। पहला केस कि हमारा ये लेजर का क्या डिटेल रहता है। जो लेजर हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में वो आपका रहता है 1 मिलीवाट का लेजर रहता है 1 मिलीवाट। और उसके लिए बहुत सारी कंपनी आपका 620 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करती जो रेड कलर में दिखता है और हम लोग आई से देखने की कोशिश करें तो दिखता नहीं। उसके लिए हमें टॉप व्यू में माइक्रोस्कोप यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे ना पूरा का पूरा एक माइक्रोस्कोप लगा रहता है। ये जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे लगाते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है ताकि हम लोग एक लेजर अलाइनमेंट कर सकें। और अदर जो कंपनी है वो 820 नैनोमीटर। आंसर इसका क्या है कि अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर आप हिट करेंगे, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्टली लेजर मार हिट कर दे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि रीजन क्या है कि डायरेक्टली अगर आप इसको हिट कर देंगे तो आपके पास ट्यून करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो दिक्कत क्या क्या आएगी कि जो कैंटिलीवर है वो अगर इसका एंगल आप बदल दिए, अपने हाथ से लगाने में एंगल बदल गया, तो कभी भी हम लोग उसको अलाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा दिक्कत क्या होता है कि जब यहाँ पे मिरर वन को यूज किए और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम मिरर टू क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मिरर टू के हेल्प से हम लोग एग्जैक्टली ये जो पीएसपीडी के ऊपर जो अलाइनमेंट है उसको हम लोग हिट कर चुके, मतलब उसके ऊपर हम लोग हिट करें ताकि हमें एक प्रॉपर वर्टिकल सिग्नल, लेटरल सिग्नल और आपका इंटेंसिटी मिले। थोड़ा इसको और ज्यादा प्रिसाइज करते हैं कि वर्टिकल लेटरल सिग्नल कहने का क्या मतलब है। इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट डिटेक्टर ही क्यों बोलते हैं। उसके बाद से आगे अभी इसके कंट्रोलर के ऊपर बात करेंगे। अभी तो यहाँ पे जस्ट हम लोग ओवरव्यू एफएम के ओवरव्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट डिटेक्टर कहने का क्या मतलब होता है कि जो भी एक एरिया है आपका सेंसर का, ये जो एरिया है आपका, मान लीजिए कि ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर में, और अगर आप मोर प्रिसाइज बात करेंगे तो ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, कुछ 1 mm, ये आपका 1 mm से लेके ये आपका वेरी करता है कुछ 10 mm तक, ओके? और दूसरा सेम वे में क्या होता है कि जब हम लोग पोजीशन डिटेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, डिवाइस करता है और उस स्मॉलर डिवाइस में जो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, इसमें क्या होता है कि इसको मैं अगर ओरिजिन कंसिडर करूं तो ये लेजर अगर यहाँ पे हिट कर रहा है तो इसका कुछ एक्स एक्सिस हुआ, कुछ वाई एक्सिस हुआ। तो इसीलिए इसको हम लोग दो तरह का सिग्नल मिलता है। एक मिलता है आपका एक्स सिग्नल, जिसको हम लोग एक्स सिग्नल को हम लोग बोल दिया आपका लेटरल, और वाई जो वर्टिकल है, जो वाई एक्सिस का जो सिग्नल मिला उसको हम लोग बोल दिए वर्टिकल। लेटरल ऑन हम लोग इसी बात को वर्टिकल रेजोल्यूशन बोलेंगे और लेटरल रेजोल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई भी एक फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर जब हिट करेगा तो हमें बिल्कुल आपका एक वोल्टेज इन द एक्स मिलेगा, वोल्टेज इन द वाई मिलेगा, और कंबाइन ऑफ द बोथ वोल्टेज टोटल आउटपुट ऑफ द फोटोडायोड हमें जो मिलेगा जिसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो उस इंटेंसिटी का जो वोल्टेज है, वोल्टेज आपका इंटेंसिटी का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन 2 वोल्ट होना चाहिए। एंड डिपेंडिंग अगेन द मोस्ट ऑफ द कंपनी जो बोलती है जो 2 वोल्ट से 3 वोल्ट के ऊपर में रहना चाहिए। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे केस क्या होता है आपका कि ये जो हमारा कैंटिलीवर और सैंपल है उसके नीचे हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर ये होता है कि आपको ये पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बना हुआ एक स्कैनर रहता है जिसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बना हुआ। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिकल हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई भी पीजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है तो उसके अंदर आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, अगर उसके अंदर आपने वोल्टेज अप्लाई किए तो
इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको प्लस बोलूं, इसको माइनस बोलूं, इसको भी प्लस बोलूं, तो पहले इसका लेंथ एल था, अगर ये लेंथ एल है, तो अगर आप अप्लाइड वोल्टेज इसके अंदर जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब इसका लेंथ बदल जाता है। तो जब लेंथ बदल जाता है, सम अदर वे में मैं ये बोलूं कि जब कोई भी चीज को मैं इसको अगर प्रेशराइज करूं, मैं इसको प्रेस्ड करता हूं, तो इसके ऊपर क्या होता है कि चार्ज डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो पीजो मटेरियल है, इसके ग्राउंड में हम लोग सैंपल के नीचे में एएफएम में यूज करते हैं। इस केस में क्या होता है कि जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है कि आपका ये एक्सपेंड हो जाता है। सेम वे में आपका जब वोल्टेज कम करते हैं तो आपका ये स्मॉलर लेंथ हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्वेश्चन ये है कि ये क्या वोल्टेज और लेंथ के साथ ये लीनियर रिलेशन है, और लीनियर रहेगा तभी ना, मान लीजिए कि हमें अगर इसको 10 माइक्रोन बढ़ाना है और 10 माइक्रोन कम करना है तो कैसे डायरेक्टली हम वोल्टेज अप्लाई करके कर सकते हैं क्या। लेकिन एक और बात हमें याद कर समझने वाली चीज है कि हर चीज का इसमें क्या लिमिटेशन है रियल लाइफ में। प्रैक्टिकली हम लोग जो मैं जो भी बात करूंगा, जो भी यूनिट का बात करूंगा, तो उसके लिमिटेशन के ऊपर बात करूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका लेंथ ये बढ़ जाता है, तो स्कैनर का कितना लेंथ बढ़ता है, जो रियल लाइफ में जो स्कैनर यूज होता है इसका साइज जो रहता है आपका एक्स और वाई का, वो होता है आपका एक्स और वाई का जो लेंथ होता है वो होता है अप टू 100 माइक्रोमीटर। ये 100 में सारा जगह ये यूनिट माइक्रोमीटर के ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि माइक्रोमीटर का क्या मतलब है। जैसे मैं अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज करूँ तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 100 × 10⁻⁶ मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं माइक्रोमीटर कह रहा हूँ या मैं 10⁻⁶ मीटर कह रहा हूँ, तो एक जस्ट विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है यहाँ से लेके यहाँ पर, इसको मैं मान लूं कि अगर एक्स एक्सिस इसका, अगर मैं मानता हूँ कि एक्स एक्सिस अगर इसका ये 1